यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी की बात करेंगे। यूपी के बिलासपुर में 3 दिन पहले 13 साल की नाबालिग साली के साथ रेप कर हत्या करने वाले आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी पर 2009 में भी रेप और हत्या का प्रयास का केस दर्ज हुआ था। साली का रेप और हत्या करने के बाद आरोपी जब घर से फरार हो रहा था तो पड़ोसियों ने उसे देख लिया था। इसके बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर बलात्कार, हत्या और पॉस्को एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। गिरने के बाद ही मैंने उसे घर में से अपने नंदोई को घर में से निकलता हुआ भागता हुआ देखा। उसके बाद मैंने लड़की के देखने के बाद में देखती मैं लड़की के मुंह में कपड़ा और फांसी लगी हुई लड़की के। तो जब मैं निकालती हूँ ना उस लड़की के मशीन उसके सीने पर रखी हुई लड़की के सीने पर रखी हुई और यहाँ पर उसके अधर लगा हुआ लड़की का चोखा लगा हुआ उसके ये भों फट गई। फटने के बाद मैं बेहोश हो गई। मैंने किली भी मचाई मैं किसी हाल से ही तो मैं इससे भाग नहीं गया। जिसमें 3 दिन पहले थाना बिलासपुर में एक बच्ची के क्या क्या मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें कि पुलिस ने पूछताछ शुरू कर जानकारी की गई तो उसमें जो बच्ची का परिजन था एक वही संदेह के घेरे में आया। इस पर पुलिस ने सर्विलेंस और टीम लगाकर उसकी गिरफ्तारी की है। आज पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि बच्ची अकेली थी घर पे और ये जब गया उसका अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर इसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के पश्चात जो पास में ईंट पड़ी थी उससे इसने बच्ची की हत्या कर दी और बच्ची का शव जो झोंपड़ा था उसमें खटिया के नीचे छुपा दिया इसने और वहाँ से फरार हो गया।